नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम पावर के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर्कल बताने वाला हूँ टर्म टू के लिए। टर्म टू के अंदर आपका जो सिलेबस है उसमें से काफ़ी सारे चैप्टर मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में सर्कल को हम पूरा खत्म करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा और हर एक टर्म जो आपके टर्म टू के लिए इंपॉर्टेंट है वो सर्कल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है सुमित मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया कि हम सर्कल डिस्कस करने वाले हैं, तो टाइम को खराब करेंगे नहीं, फटाफट से सर्कल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पता करना चाहेंगे कि सर्कल होता क्या है, सर्कल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि सर्कल क्या होता है, तो छोटे छोटे पॉइंट से मिल करके, छोटे छोटे पॉइंट से मिल करके क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। सर, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर अगर एक सर्कल बनता है, लाइन भी छोटे छोटे पॉइंट से बनती है, तो लाइन और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है? मैं बताता हूँ लाइन और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि सर्कल अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल बनता कैसे है। जब हमें ये पता चल जाता है कि सर्कल कैसे बनता है, तो उसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। सर्कल को सॉल्व करने के लिए जितने भी टूल हैं वो सारे मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैंने पूरी की पूरी टर्म टू की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के वीडियोस में डाल रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर मैं पर चैप्टर आपको जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बताए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बताए, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, अलग नाम से अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, कोड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, सॉरी टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे पहले 5 से 10 मिनट में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरम जो है वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर इस वीडियो में या इस सेशन में नहीं रखी है। अगर आप चाहेंगे कि सर हमें थ्योरम भी करवाया जाए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को थ्योरम भी करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन सुनी होगी कि सर छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के ही लाइन बनती है और छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर ही सर्कल बन रहा है, तो सर्कल और लाइन में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वो आप हमें समझा दीजिए। तो देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें लाइन में क्या होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट होती है, लेकिन इस सर्कल में एक डिफरेंस होता है कि मेनली जो पॉइंट होता है एक सेंटर होता है, और उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोई सर्कल बन रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, 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 समझ रहे हैं आप लोग किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा अभी वापस से, ताकि आपका सर्कल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। जिन भी बच्चों को लगता था कि यार सर्कल हमें समझ में नहीं आता, मैं वादा करता हूँ उन बच्चों से आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्कल पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर मैंने बात करी कि एक पॉइंट यानी कि एक सेंटर होता है उससे इक्वल डिस्टेंस होती है, ये सेंटर हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर इक्वल है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। यानी सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और इनफाइनाइट पॉइंट से क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। अब बात आ गई कि सर ठीक है आपने सर्कल बना दिया, तो इस सर्कल के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर मान लो मैंने एक सर्कल यहाँ पर डिजाइन किया कुछ इस प्रकार से, ये तुम्हारे लिए एक सर्कल मैंने बना दिया। अब इस सर्कल के अंदर ये जो एक सर्कमफेरेंस वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर भी इसको बोल सकते हैं, बट पेरीमीटर नहीं बोलते, क्योंकि पेरीमीटर हम जो है वो ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, इनका निकालते हैं, लेकिन सर्कल की जो पेरीमीटर होती है उसको अपन सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर पेरीमीटर होता क्या है, सर्कमफेरेंस का मतलब है ये वाला पोर्शन, यानी कि ये जो बाउंड्री है इसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस बोलेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि बाउंड्री को सर्कमफेरेंस बोलेंगे, तो ये जो बीच में पॉइंट होता है आपने अभी भी बताया इसको क्या बोलते हैं, तो इस पॉइंट को बेटा बोलते हैं सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, CENTRE, सेंटर। स्पेलिंग पे मत जाना, CENTERE भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, सेंटर बोलते हैं। अब इस सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है रेडियस, जिसको बेसिकली आर से डिनोट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोला जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा गिवन है जिसके अंदर आपको रेडियस गिवन है, मान लो आपको कह दिया गया कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है
और 5 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल आपने डिजाइन किया और आपको कहा जाए सर्कमफेरेंस फाइंड कीजिए। तो सर्कमफेरेंस फाइंड करने का सी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πr। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? 2πr फॉर्मूला होता है, जहां पे सी इज इक्वल टू 2π की वैल्यू जो है वो अपन जब तक 22/7 लेते हैं, जब तक क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा जाए कि 3.14 आपको यूज करना है, जब तक हम 22/7 लेते हैं। तो 2 × 22/7 × r की वैल्यू हो गई 5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 5 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल था, इसकी रेडियस उसका सर्कमफेरेंस आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है सर्कमफेरेंस के बाद में, आता है एरिया। तो सर मान लो आपके सामने मैंने बेटा एक ये सर्कल बना दिया, सर्कल के एरिया का क्या होता है? ये वाला पोर्शन जो था ये मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज द सर्कमफेरेंस। ये मैंने क्या बताया कि ये एक सर्कमफेरेंस होती है, इसके बीच में एक सेंटर होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो एरिया का मतलब है कि ये अंदर वाला पोर्शन, ये कि पूरा का पूरा जो पोर्शन जहां पे आप टच कर पा रहे हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है सर? जिस तरीके से आपने सर्कमफेरेंस निकाल के हमें बताई 2πr के फॉर्मूले से, वैसे ही एरिया निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। सर्कमफेरेंस का जो सर्कल होता है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है πr² और जहां पे r क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता चल गया है कि r क्या होता है। एरिया के बाद में नेक्स्ट टर्म आता है कोण। सर्कल के अंदर जो कोण होती है वो क्या होती है? मान लो ये आपने एक सर्कल डिजाइन किया यहाँ पे, गॉट इट? ये आपने एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल को अगर मान लो मैंने यहां से, इस यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। यहाँ पे भी कोण बोलेंगे, यहाँ पे भी, ये वाली भी कोण है, ये वाली भी कोण है। अब यहाँ पे सेंटर था, तो आपका जवाब ये आता है कि सर अगर कोई कोण ऐसी है जो सेंटर को पास करते हुए जा रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसको भी कोण ही बोलते हैं, और वो सबसे लंबी कोण होती है सर्कल की, जिसको अपन डायमीटर भी बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? DIAMETER, जिसको अपन डायमीटर भी बोलते हैं, सर्कल की सबसे लंबी कोण होती है। कई बार इस पे एक छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ मेनी, मतलब कि जो एक सर्कल है उसमें जो सबसे लंबी जो कोण होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसका दूसरा नाम डायमीटर भी होता है। तो कोण कहीं पे भी आप डिजाइन कर सकते हैं, बस कट नहीं करती है, सर्कल की सर्कमफेरेंस को कट नहीं करती है, बस अंदर अंदर रहती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। आई होप कि कोण आपको समझ में आ गया। उसके बाद में डायमीटर की बात करते हैं, तो डायमीटर तो आपको अभी मैंने समझा दिया है, यानी कि मान लो ये तुम्हारा सेंटर है, यहां से यहां तक की रेडियस होती है, तो डायमीटर जो होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है, यानी 2r होता है, ठीक है? यानी इसके यहां तक, या राइट, ये क्या हो गई? आपका डायमीटर हो गया। डायमीटर इस तरीके से इधर से भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक तरफ से ही लें, आप इधर से भी ले सकते हैं, बस सेंटर से पास होते हुए अगर कोई कोण जा रही है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? डायमीटर बोल देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। कई बार आपको डायमीटर गिवन होता है, रेडियस फाइंड करनी है, तो डायमीटर का आधा कर दो, आपके पास में रेडियस निकल के आ जाती है। ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, नो डाउट आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे। जिन बच्चों को पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं समझाना चाहता हूँ, ताकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो डायमीटर के बाद में बात आती है रेडियस की। तो रेडियस तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ कि रेडियस जो होती है, ये सेंटर था आपका और यहाँ से यहाँ टच करते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। जरूरी नहीं है इस तरफ ही आप टच करो, यहाँ पे भी टच कर सकते हो, यहाँ पे भी टच कर सकते हो, यानी सर्कल की जो रेडियस है वो हर एक पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, मैंने क्या कहा था कि एक पॉइंट होता है और छोटे छोटे पॉइंट इसके बाहर, तो यानी इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो सर्कल आप बना रहे हो, मान लो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के जो सर्कल बनता है इस तरीके से, राइट, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब रेडियस के बाद में एक नया टर्म आता है सेमी सर्कल। यानी मान लो आपके सामने ये एक सर्कल है, तो सेमी सर्कल क्या होता है? जब आपने इस सर्कल को बीच में से कट कर दिया, बीच में से क्या कर दिया? कट कर दिया, यानी इस सर्कल के दो पार्ट बन गए, उसको अपन क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। जैसे एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, इसको अपन क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि सेमी सर्किल क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, राइट, क्लियर है? सेमी सर्कल के बाद में नेक्स्ट टर्म हमारा, हमारे पास में आता है अगला टर्म आर्क। अब आर्क जो है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्क जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है माइनर आर्क, एक होती है मेजर आर्क। मान लो मैंने ये आपका एक सर्कल बनाया, ठीक है, इस सर्कल से यहाँ पे एक पॉइंट था और यहाँ पे एक पॉइंट था, अगर इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूं तब तो वो कोण बन जाएगी, लेकिन मिलाया नहीं, तो ये वाला जो पोर्शन है इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है, इस पॉइंट तक का, इसको अपन क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। और एक पोर्शन ऊपर भी है उसको भी अपन आर्क बोलते हैं। तो इन दोनों आर्क में डिफरेंस क्या है? जो बड़ी होती है उसको बोलते हैं मेजर आर्क, जो छोटी होती है उसको बोलते हैं माइनर आर्क। तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आई होगी कि ये वाली मुझे छोटी दिख रही है, देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस मुझे दिख रही है,
ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये क्या है, छोटी है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोल देंगे। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओ, और अगर क्लियरली समझ में आ रहा है तो इसको बोलेंगे अपन माइनर आर्क। इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, माइनर आर्क बोलेंगे। और ये जो बड़ी वाली दिख रही है इसको बोलेंगे मेजर आर्क। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेजर आर्क बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा हर एक लेक्चर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को भाई लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। आर्क के बाद में अगला टर्म आता है सेगमेंट। सेगमेंट के बारे में समझते हैं। मान लो एक सर्कल था, ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे एक पॉइंट होता है। पॉइंट कहीं पे भी ले लो आप, दो पॉइंट लेने, दोनों पॉइंट को आपने मिला दिया तो ये बन गई कॉर्ड। अब ये जो कॉर्ड थी इनको दो पार्ट में डिवाइड करती है। कॉर्ड का काम क्या, कॉर्ड जो होती है, कॉर्ड होती है उसका काम क्या होता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करना। तो अब ये जो दो पोर्शन बने आपके, यहाँ पे एक पोर्शन ये बन गया और एक पोर्शन ये ऊपर वाला बन गया, एक पोर्शन ये ऊपर वाला बन गया, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दो पार्ट बने, ठीक है। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं तब तो इनको सेमी सर्कल बोला जाता है। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा जो पार्ट है, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और जो बड़े वाला पार्ट है इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो इसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने जो भी बातें बता रहा हूं मैं, ठीक है, मेजर सेगमेंट। अब एक नया टर्म आ जाता है सेक्टर का। सेक्टर भी क्या होता है, ठीक इसी प्रकार होता है। मान लो ये तुम्हारा सर्कल था, सेक्टर में क्या करते हैं, मान लो ये तुम्हारी रेडियस है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस और यहां से यहां तक के डिस्टेंस आपने दो रेडियस ड्रॉ करी। तो यहाँ पे अब दो दो पोर्शन बन गए, दो पोर्शन बन गए। एक पोर्शन तो ये वाला बना है पूरा का पूरा यहाँ पे, और एक पोर्शन ये ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन बन रहा है, ठीक है। ये दो पोर्शन आपको नजर आ रहे होंगे, एक पोर्शन ये बन गया, गॉट इट। तो अब इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। और जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, मेजर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको, आप नोट करते जाइएगा। अब इसके बाद में एक नया टर्म आता है टेंजेंट। टेंजेंट मान लो ये तुम्हारी एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को टच करते हुए कोई लाइन पास मैंने कर दी, ठीक है, इस सर्कल को टच करते हुए मैंने कोई लाइन पास कर दी, ये वाली, ये देखिए ये लाइन पास कर दी मैंने, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे, राइट, इज दैट क्लियर। मान लो मैंने इधर से एक लाइन पास कर दी, ये टच कर रही है सर्कल को एक पॉइंट पे, यहाँ पे कोई एक एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, यहाँ पे ये टच कर रही है, ठीक है। इधर भी निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं, इधर भी निकाल सकते हैं। तो इन सबको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो क्या आपको पता है सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो टेंजेंट भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करना, करते हुए अगर कोई लाइन जा रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो इसलिए टेंजेंट भी इनफाइनाइट होगी, क्यों होगी, क्योंकि पॉइंट भी इनफाइनाइट है, क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट जो है वो खींची जा सकती है, कितनी टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की जा सकती है, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल के जो पॉइंट होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं, दैट्स वाई टेंजेंट भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। उसके बाद में अगला नेक्स्ट टर्म आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड। सेकेंड के बारे में काफी बच्चों को पता होता है, जिनको पता होता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। मान लो तुम्हारे सामने ये एक सर्कल हो गया, ध्यान से समझना, दैट इज सर्कल। तो आपने एक सर्कल बनाया, मैंने कहा कि यहाँ पे दो पॉइंट ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया, एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कराया। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया तब तो ये क्या बन गई, कोड। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को आगे बढ़ा दिया मैंने, ये कट कर दिया, यानी सर्कल को कट करते हुए जा रही है, ऐसे कट करते हुए जा रही है, समझ रहे हो, कट करते हुए जा रही। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। तो क्या आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर कितनी कोड खींची जा सकती है, कितनी कोड ड्रॉ की जा सकती है, नहीं पता, इनफाइनाइट की जा सकती है। तो सिमिलरली सेकंड भी एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट सेकंड जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि सर्कल के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर काउंटेबल नहीं है, दैट्स वाई जो यहाँ पे अपन करते हैं वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेकेंड यहाँ पे अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सेकेंड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये था सर्कल का बेसिक। अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर। अब जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करेंगे। तो अब तक अगर आपने पेपर पेन नहीं उठाया था तो भैया अब उठा लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, यानी एक सर्कल आपको बताया गया है और उस सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे बेसिक के अकॉर्डिंगली पहला ही क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट इनफाइनाइट है तो टेंजेंट भी अपन इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपका ये सवाल क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्या होगा, इनफाइनाइट।
ठीक है जी, क्या होगा? इन फाइनाइट, इनफाइनाइट, गॉट इट? क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अगला सवाल है आपका, जो बहुत ही प्यारा है और मुझे बहुत ही पसंद है ये क्वेश्चन, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है? ए टेंजेंट पी क्यू, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ पी क्यू इज वॉट? कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में एक सर्कल बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा? एक सर्कल के बारे में बोला गया है। मैं आपको यहाँ पे सर्कल बना के दिखा देता हूँ। मान लो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक सर्कल गिवन है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, ये एक सर्कल आपने बना दिया। ठीक है, अब इस सर्कल का ये सेंटर होता है, राइट? क्वेश्चन में बोला गया सेंटर जो है वो ओ है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, यानी एक टेंजेंट है। मान लो आपकी ये एक टेंजेंट हो गई, मैं इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ जो इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है। कट क्या कर रही है? मतलब टच कर रही है। तो ये इस पॉइंट को मिलाते हैं तो दैट इज रेडियस, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। तो आपकी एक थ्योरम होती है। क्या थ्योरम होती है? कि अगर टेंजेंट किसी पॉइंट पे टच कर रही है और आप सेंटर से रेडियस एक ड्रॉ करते हैं तो वहां पे जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो ये पी पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, और अब इसको मैंने मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्यू पॉइंट हो गया, राइट? इज दैट क्लियर? अब आपको कहा क्या गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप पी क्यू बताइए। पी क्यू कैसे बताएंगे? क्योंकि आर जो है यानी ओपी आपको कितना दे रखा है, आप क्वेश्चन में जो जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, और ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ओपी ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है बेटा किसके ऊपर? ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू के ऊपर, राइट? ओपी ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू के ऊपर, क्योंकि इसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ओपी परपेंडिकुलर है ओ क्यू के ऊपर, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यह बात? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, ठीक है, पी क्यू के ऊपर, गॉट इट? तो अब मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे ओ क्यू पी, या फिर पी ओ क्यू, या क्यू पी ओ, राइट? तो इन ट्रायंगल ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल, हर एक बात मैं बहुत ही स्लोली आपको समझाऊंगा। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पी जी टी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, गॉट इट? आपको विजिबल है सारी चीजें। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? देखो 90 के जस्ट सामने की साइड को अपन कहते हैं हाइपोटेनियस, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, और यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनियस दे रखा है ओ क्यू, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, गॉट इट? प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो ओ क्यू कितना दे रखा था, हम इजीली वन बाई वन एक एक चीज निकाल लेंगे। ओ और क्यू के बीच की यानी ये वाली डिस्टेंस आपको 12 दे रखी थी, ये आपको कितनी दे रखी थी? रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। आपको पी क्यू फाइंड करके बताना था। तो आपने क्या बोला कि सर ओ क्यू हमें दे रखा था 12, तो हमने 12 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आपने 12 का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू ओ पी आपको 5 दे रखा था, आपने 5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस पी क्यू आप एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, पी क्यू आपने एज इट इज लिख दिया। आई होप क्लियर है, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में हमें आ गई है। ओके, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, इज इक्वल टू 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस पी क्यू मैंने एज इट इज रख दिया, पी क्यू का स्क्वायर मेरा एज इट इज हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनता है, क्या बनता है यहाँ पे? पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज इक्वल टू वॉट? 144 माइनस 25 के अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अगर पी क्यू में से यानी 144 में से अगर 25 को माइनस किया जाता है तो आप लोगों को पता है 119 आता है, तो ये आपका 119 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी पी क्यू की जो लेंथ है, ये हमारी जो टेंजेंट थी वो 119 सेंटीमीटर हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया है। अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, तो काइंडली चेक दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट एंड गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू
फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज वॉट? रेडियस ऑफ द सर्कल आप लोगों को बताना है. तो वही सेम क्वेश्चन है. कैसे? देखो, आपको बोला गया एक सर्कल है, आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. मैं सर्कल डायरेक्टली बना रहा हूँ, ठीक है. ये आपका सेंटर है, ठीक है. ये यहाँ आपने एक रेडियस, मतलब कि दो टेंजेंट निकल रही है, दो टेंजेंट निकल रही है. तो इस तरीके से एक टेंजेंट आपकी इधर निकल गई और इस तरीके से एक दूसरी टेंजेंट आपने इधर से निकाल दी, ठीक है. ये दो टेंजेंट निकल गई, गॉट इट. और ये पॉइंट जो है वो इस तरीके से निकलते हुए यहाँ जा रहा है, क्लियर. तो यहाँ पे ए पॉइंट आपने दे दिया, यहाँ पे क्यू पॉइंट आपने दे दिया, ठीक है. और ये आपका सेंटर ओ था और ये आपने टच कर दिया, ठीक है. तो ये आपकी रेडियस हो गई. अब ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है. और इसके सामने ये बीच वाली ओ क्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, क्लियर. और ये वाली आपको ए क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी थी. तो अब रेडियस निकालना है, वही पाइथागोरस थ्योरम अपन यूज कर सकते हैं. तो अब इसमें कुछ चीजें मैं लिखना चाहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्या हेयर जो जो मुझे गिवन है वो मैं लिख देता हूँ. हेयर क्यू ए, हेयर क्यू ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में. ओ क्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, क्लियर. वी नो, हम जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है. क्या? कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है. मैं ये लाइन लिख देता हूं, पिछले में मैंने लिखी नहीं थी, ठीक है. टेंजेंट, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रेडियस, परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ओ ए क्यू जो है वो 90 डिग्री होगा. मैंने डायरेक्ट बता दिया, इस बार मैंने लाइन लिख के बता दी, यानी ओ ए क्यू, ओ ए क्यू ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा. तो मतलब ये हुआ कि अब ये जो ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. मतलब ये कि इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. हाइपोटेनियस आपका ओ ए का स्क्वायर हो गया, ओ क्यू का स्क्वायर जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, और क्यू ए का स्क्वायर हो गया, गॉट इट. तो आपने सॉल्व किया, ओ क्यू आपको कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो आपने 8 का स्क्वायर कर दिया, माइनस क्यू ए आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आपने 5 का स्क्वायर कर दिया, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर कर दिया आपने, ठीक है. तो ओ ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 माइनस के 25, गॉट इट. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ओ ए बराबर, ओ ए का स्क्वायर बराबर 64 में से 25 को माइनस करेंगे 39 आएगा. तो ओ ए कितना आ जाएगा, अंडर रूट 39, गॉट इट, अंडर रूट 39, दैट इज द करेक्ट आंसर. ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्लियर है. यानी रेडियस ऑफ द सर्कल ओ ए, ये रेडियस थी ओ ए जो कि रूट 39 सेंटीमीटर आपकी आ जाती है, क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको फिगर गिवन है, मैं बना देता हूँ. मैंने बनाया नहीं है, बट मैं बना के आपको दिखा देता हूँ. फिगर क्या है, इन द फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, द लेंथ ऑफ बीसी इज व्हाट. यानी बीसी की आपको लेंथ आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बतानी है कि बीसी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी. तो देखो यार, कुछ इस प्रकार से आपको एक, पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है. यस, ये आपका एक ट्रायंगल मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है. इस तरीके से ये आपका एक ट्रायंगल हो गया. अब इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है. थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, तो आप संभाल लीजिएगा, ठीक है. ये एक ट्रायंगल बन गया जो यहाँ पे भी टच है, इस पॉइंट पे भी, यहाँ पर इस पॉइंट पे टच है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे टच है, गॉट इट. इन पॉइंट्स को नाम दे दो आप, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए. पी आर क्यू, ये आपको एक फिगर गिवन था, यहाँ पे आपने ए बोल दिया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है. ए सी, ए सी जो थी वो आपकी है 11 सेंटीमीटर. ए सी कितनी थी बच्चों, 11 सेंटीमीटर थी, ठीक है. पी बी, पी बी और ए पी कितनी थी, ए पी जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और पी बी जो है, पी बी जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है. आई होप क्लियर है आपको, गॉट इट. अब इस सवाल को करते हैं, तो देखो ध्यान से, मेरे को एक बात बताना आप लोग. ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट
जो वो इस सवाल को कर सकता है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूँ। देखो आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है बी सी जो है वो बराबर होगी किसके, बी क्यू प्लस क्यू सी के। क्यों होगी भैया हमें भी बताइए, बी सी क्या है, ये बी सी है, ये यहाँ पे पॉइंट है, इसका काम ये है कि इसको आधा आधा डिवाइड कर रहा है, यानी बी सी के दो टुकड़े कर दिए गए, हाफ एंड हाफ। तो बी क्यू और क्यू सी का जो सम होगा वो पूरा बी सी के बराबर होगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि बी पी जो है, बी पी प्लस पी ए, बी पी प्लस पी ए, क्लियर, या फिर बी पी प्लस सी आर, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि आपका जो बी सी है वो किसके बराबर हो सकता है, ये बी पी प्लस सी आर के भी बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि बी क्यू और बी पी आपस में बराबर है, क्यू सी और सी आर आपस में बराबर है, पी ए और ए आर आपस में बराबर है, ये जो तीन पॉइंट बने ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इनका जो है वो इक्वल होता है। मतलब अगर ए पी आपका 4 है तो ए आर भी आपका 4 होगा, पी ए आपका 3 है तो बी क्यू भी आपका 3 होगा, गॉट इट। अब क्यू सी मान लो आपको नहीं गिवेन है तो सी आर और क्यू सी आपस में बराबर हो जाएंगे। मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी जाती है, मैंने लिखा कि बी पी प्लस सी आर भी जो है वो आपस में बराबर है, ठीक है, किसके, बी सी के बराबर आप लोग करके चल रहे हो, राइट। तो मैंने एक बात लिखी यहाँ पे, एज ए टेंजेंट, एज ए टेंजेंट, आपको अच्छे से समझ में आएगा, एज ए टेंजेंट फ्रॉम फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, दैट्स वाई बी क्यू बराबर है बी पी के, कोमा क्यू सी बराबर है सी आर के। ये बात आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल सर। तो अब अगर ये बात आपने बोल दी तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि बी सी जो है वो बराबर होगा 3 प्लस 11 माइनस ए आर के। कैसे किया मैं बताऊंगा तुम्हें, 11 माइनस ए आर के, रीज़न मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको वैसे तो समझ में आ जाएगा बट फिर भी मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ए सी माइनस ए आर, ठीक है, गॉट इट, क्लियर है तो आप बता दो। तो बी सी जो निकल के आता है यहाँ से, बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस के ए आर, और वी नो दैट कि ए आर जो है वो ए पी के बराबर है, ए आर इज इक्वल टू ए पी, दैट्स वाई ए पी जो था वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो 14 माइनस 4 कर देंगे यहाँ पे, तो बी सी जो आएगा वो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी आपकी यूनिट दे रखी है उसके हिसाब से। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ चुका है, इफ़ यू आर अंडरस्टैंड देन कमेंट करके आप मुझे बताएं कि हाँ जी सर हमें ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका है। अब चलते हैं अपन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी विच इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज 24 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। सेम क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो आपका ये एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ पे टेंजेंट टच हो रही है, ये आपकी एक टेंजेंट में यहाँ पे ड्रॉ कर दी मैंने इस तरीके से, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को आपने यहाँ पे ऐसे मिला दिया। तो अब वही बात हो गई, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट सामने का साइड हाइपोटेनस, यानी ये ओ हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये आपको 25 दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये वाला 24 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ट्रायंगल में अपन यूज कर सकते हैं कि ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि ओ क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, मतलब कि ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, इसलिए हम ट्रायंगल का यूज करेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, तो हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ओ पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ओ पी आपको कितना दे रखा है, 25 का स्क्वायर कर दोगे आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे पी क्यू आपको दे रखा है 24 का स्क्वायर कर दोगे आप लोग, ठीक है,
प्लस ओ क्यू मुझे निकालना है, तो ओ क्यू आप एज इट इज कर दो, ओ क्यू का स्क्वायर कर दोगे आप लोग और ये हो जाएगा तुम्हारे इक्वल, गॉट इट। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, गॉट इट। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे विजिबल है जो भी मैं लिख रहा हूँ, कलर वलर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोले सर कलर में दिक्कत आ रही है, सर समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको हर एक बात समझ में आए। तो मैंने लिखा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, 25 का स्क्वायर होता है 625, थोड़ा सा थिकनेस मैंने बढ़ा ली है ताकि आपको क्लियर हो जाए। 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग जानते होंगे, 576 होता है। तो 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 49, ठीक है। तो ओ क्यू जो आएगा यहाँ से वो आ जाएगा अंडर रूट 49, कितना आ जाएगा अंडर रूट 49। सॉल्व किया तो ओ क्यू बराबर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, गॉट इट। तो ओ क्यू बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट आंसर, क्लियर है। इफ यू आर अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी, क्लियर। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सेकंड इंटरसेक्ट ए सर्कल एट डिस्टेनेक्ट पॉइंट्स, यानी एक जो सर्कल, मान लो आपने एक सर्कल बनाया, अब इस सर्कल को जो सेकंड होती है, ये सेकंड 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 है, इधर से भी ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, इधर से ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, इधर से लेना चाहो ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, किधर से भी ले लो, इधर से लोगे ये सेकंड हो जाएगा, राइट। तो ये जो सेकंड्स मैंने इसमें ड्रॉ करे, इनफाइनाइट सेकंड्स, ये जो है वो कितने पॉइंट्स के ऊपर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बोले सर समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो देखो मैं बताता हूँ, ये तुम्हारा सर्कल है, ये तुम्हारा सर्कल था, अब इस सर्कल ने यहाँ पे इसको कट कर दिया सर्कल को, तो ये जो दो पॉइंट ही बने, कितने पॉइंट पे कट कर रही है सेकंड, ओनली टू पॉइंट, तो आपका आंसर क्या होगा, केवल टू पॉइंट्स पे सेकंड जो है वो कट करती है। कितने पॉइंट्स पे कट करती है, टू पॉइंट्स पे कट करती है। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल, ये जो जवाब है इस क्वेश्चन का, आंसर जो है वो आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, हैंडसम दिख रहा है मुझे ये सवाल। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर द लेंथ पी बी इज वॉट, पी बी की लेंथ चाहिए भैया, पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ इस तरीके से है, दो सर्कल है, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, दोनों सर्कल सेम सेम मैंने बनाए हैं इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। तो मान लो ये सर्कल था, इसका सेंटर यहाँ पे था, ये इसकी रेडियस हो गई इस सर्कल की, ठीक है, और यहाँ से इस सर्कमफेरेंस को टच करते हुए ये लाइन ड्रॉ करी गई, और फिर यहाँ से एक सेकंड निकल रही है जो यहाँ पर टच कर रही है इस सर्कल को, दूसरे वाले सर्कल को, ये आपकी यहाँ पे एक सेकंड बन गई, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है, सुंदर डायग्राम बनाने से क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर टूल्स हैं मेरे पास में सारे, जिनसे मैं सर्कल वगैरह ड्रॉ कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ यार कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊँ, बिकॉज आप लोगों का प्यार और सपोर्ट काफ़ी है, है ना, आप काफ़ी प्यार और सपोर्ट करते हैं, इसलिए एग्जाम पावर फैमिली आज 50,000 तक हम पहुँच चुके हैं, प्यार रहा 1,00,000 तक जाएंगे, जल्दी सिल्वर बटन भी आएगा, मिलियंस में भी पहुँचेंगे आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो, ठीक है। और अभी मैं बहुत कुछ प्लान भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये आपका यहाँ पे बी हो गया, और ये आपने पी पॉइंट बोल दिया, और ये आपका ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से डायग्राम आपको गिवन है, जिसमें ये आपको 5 गिवन है, यानी ए ओ जो है वो 5 गिवन है, और जो ये ओपी जो है, ओपी इज द रेडियस, ओपी इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, ओपी इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो आपको पी बी बताना है। तो अगर आप ए पी फाइंड कर लेंगे ना, तो ए पी और पी बी आपस में बराबर होते हैं, तो पी बी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मान लो कि ये आपको 3 दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो यार, सिंपल बात हो गई है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस निकालना है बाबा, निकाल सकते हो, ए पी इज ए टेंजेंट टू सिमिलर सर्कल, राइट, टू स्मॉलर सर्कल, ए पी इज, मैं पूरा अगर डिटेल से करूँ कि आप एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, ए पी इज ए टेंजेंट, AP is a tangent to smaller circle. To smaller circle, जहां पे क्या होता है, OP जो है वो perpendicular हो जाएगा AB के, OP perpendicular AB. तो इन राइट ट्रायंगल
ए पी ओ, इन राइट ट्रायंगल ए पी ओ सॉल्व करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ए पी ओ कौन सा है? ए पी ओ यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? पी ओ का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है? ए पी, क्योंकि ए पी अगर फाइंड कर लेंगे तो हमें निकल जाएगा। तो ए ओ आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स आप यहां से अगर डायरेक्टली ए पी निकालना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट ए ओ का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी ओ का स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर कोई दिक्कत हो ना तो मुझसे पूछ लेना, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी हम जिंदा हैं, हम करेंगे इंसाफ। चलिए ए पी बराबर कितना हो जाए? ए ओ कितना दे रखा है? 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस पी ओ कितना दे रखा है? 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ए पी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो ए पी इज इक्वल टू वॉट? 25 माइनस 9 आप करेंगे, 25 माइनस 9 करेंगे कितना मिलेगा? 16, तो अंडर रूट 16 को आप लिख सकते हैं 4। क्लियर है? तो आपने ए पी निकाला है सर, हमें ए पी थोड़ी पी भी पूछा था बेटा, पी भी पूछा था ना। हम लोग एक बात जानते हैं कि ए पी बराबर होता है पी बी के, क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट होती है एक पॉइंट पे टच करती है ना, उसके इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन आपस में इक्वल होता है, ऐसी थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो एपी बराबर पीबी है, दैट्स व्हाई पीबी बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एपी हमने अभी निकाला, 4 सेंटीमीटर निकल के आया है। गॉट इट? तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही प्यारा, सुंदर और सुशील क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखो, इन द फिगर, एक फिगर आपको दे रखा है, इफ ए बी बराबर ए सी प्रूव दैट बी ई बराबर ई सी। देखो यार, एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होगा ना, तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैंने पूरा रिसर्च करके जो है वो हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो डिजाइन किया है, और अभी तो इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने दूंगा मैं तुम लोगों को, जो भी इंपॉर्टेंट है, तो उन पर भी ज्यादा हैमरिंग करना, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैंने बोला इन द फिगर इफ ए बी बराबर ए सी प्रूव दैट बी ई बराबर ई सी, मतलब एक ट्रायंगल आपको गिवेन है, फिगर कुछ इस प्रकार का आपको गिवेन है। ये देखिए, आपके सामने एक फिगर मैंने बना दिया, या आपके इसका एक सर्कल बना लो आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने एक सर्कल बना लिया। गॉट इट? ये यहाँ पर टच है, इस पॉइंट को आप ई बोल दो, ये यहाँ पर टच है, इस पॉइंट को आप एफ बोल दो, ये यहाँ पर टच है, इस पॉइंट को आप डी बोल दो। गॉट इट? आपने बोला ट्रेंगल था ए बी और सी, अब इसको प्रूव करना है। तो देखो यार, जो जो चीजें गिवन है सबसे पहले उस पर काम करते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है आपको अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। देखो मैंने लिखा गिवन है, गिवन क्या गिवन है? इन ट्रेंगल थिकनेस थोड़ी पतली है क्या बता देना, इन ट्रायंगल ए बी सी, जहां पर ए बी सी में क्या है, ए बी जो है वो बराबर दे रखा है ए सी के। इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी जो है ये बराबर दे रखा है ए सी के, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। प्रूव करना है हमें, टू प्रूव, इस तरीके से लिखोगे ना एग्जाम में तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बी ई जो है वो बराबर है ई सी के। बी ई किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? ईसी के बराबर है। प्रूफ क्या करना है? जो प्रूफ करना है वो भी आप लिख दो। प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है सिंस टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, टू प्रूव बी ई बराबर ई सी। और अब हम प्रूव कर रहे हैं इसका, तो देन अगर ये आपने लाइन समझी, इसका मतलब होता है सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब ये वाला पोर्शन ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, जो मैं पीछे भी बता चुका हूँ। तो देन हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी जो होगा वो बराबर होगा ए एफ के, ठीक है जी। बी डी जो होगा वो बराबर होगा बी ई के। सी ई जो होगा वो बराबर होगा सी एफ के। सिमिलरली ए बी जो होगा वो बराबर होगा ए सी के। मतलब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2,
इक्वेशन थ्री, इक्वेशन फोर, ये चार ऑप्शंस हैं जिसमें से ये वाली बात जो थी, ये सारी की सारी बातें हमें क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यानी ए बी बराबर इसी तो हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन थी। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशंस के थ्रू हम काम करेंगे। देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू के थ्रू, इक्वेशन वन एंड टू, ए डी बराबर ए एफ बी, नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें फोर का काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ए डी बराबर ए बी, ए सी ए एफ, सॉरी यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे फोर का, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया इसको। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर, इक्वेशन वन एंड फोर का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वन एंड फोर के यूज के थ्रू मैंने क्या करा कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब क्या कि ये फर्स्ट वाली इक्वेशन और ये फोर वाली इक्वेशन थी, इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, मतलब चौथी इक्वेशन जो थी यानी फोर्थ में से फर्स्ट इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो मैं माइनस करके लिखवा लिख के दिखाता हूं तुम्हें, ए बी माइनस ए डी बराबर ए सी माइनस ए एफ, ठीक है, ए सी माइनस ए एफ। अब देखो, ए बी माइनस ए डी क्या देता है हमें, बी डी देता है, और ए सी माइनस ए एफ क्या देता है हमें, सी एफ देता है। कैसे देता है सर, हमें तो समझ में नहीं आया, जरा आप समझाओ हमें, ठीक है। देखो बेटा, मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे देता है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए अब देखो, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ए बी माइनस ए डी किया, ये था ए बी, इसमें से ए डी को माइनस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बी डी बचेगा भाई, ये पूरा था, इसमें से ये वाला पोर्शन हटा दिया आपने, तो यही बचेगा ना। और सेम चीज आपने ए सी के साथ की, ए सी में से आपने ए एफ को हटा दिया तो सी एफ बचा, तो बी डी बराबर सी एफ आपस में इक्वल हो गया, राइट। तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। अब देखो, इक्वेशन नंबर थ्री आपने दे दिया, अब आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ का यूज करेंगे। फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, वी गेट क्या होगा, बी ई जो है वो बराबर आ जाएगा ई सी के। सर समझ में ही नहीं आया कैसे। देखो बेटा, मैं पहले हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ों को, जिससे आपको क्लियर होगा, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, कौन कौन सी इक्वेशन यूज करी, सेकंड इक्वेशन, सेकंड को मैंने हाईलाइट कर दिया एक बार के लिए, गॉट इट, एक मिनट, हाँ इक्वेशन सेकंड को मैंने हाईलाइट कर दिया, इक्वेशन थर्ड आपने यूज की, ठीक है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आपने यूज की, यानी ये वाली इक्वेशन आपने यूज की, एक एक थर्ड ये भी थी, ठीक है, इसको फिफ्थ दे दो आप ऐसे नाम, दूसरा नाम देना चाहो, एक ये वाली और एक फोर्थ वाली, इसका यूज किया। अब देखो, इनमें बी डी बराबर सी एफ आपके सामने था, बी डी जो है वो सी एफ के बराबर है, बी डी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, और यहाँ पे बी डी बी ई के बराबर है, ठीक है। तो इस बी डी की जगह पे मैं बी ई रख सकता हूँ, इस बी डी की जगह पे मैं बी ई रख सकता हूँ, बिल्कुल। और ये जो सी एफ था, ये जो सी एफ था, यहाँ पे बी डी सी एफ के बराबर है और यहाँ पे बी ई सी एफ के बराबर है, तो इस ई सी यानी सी एफ जो था वो सी ई के बराबर था, जिसको ई सी लिख सकते हैं, तो सी एफ की जगह पे आप सी ई ई सी लिख सकते हैं, तो दैट्स वाई दैट इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया कि ये कैसे आया और किस तरीके से हमने किया, गॉट इट। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर एट के बाद आता है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर नाइन, एंड क्वेश्चन नंबर नाइन इज वेरी नाइस क्वेश्चन, राइट, सो काइंडली सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम टर्म टू, ठीक है। टर्म टू के लिए क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में बोला गया, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, सी डी इज अनोदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट क्यू, इफ पी ए बराबर 12 सेंटीमीटर, पी ए जो है वो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डी बराबर 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड पी सी प्लस पी डी, यानी पी सी और पी डी की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करके बतानी है। तो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, एक सर्कल दे रखा है फिगर में, कुछ इस तरीके से बना के तो मैं दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए, ये तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, जिसको आपने ओ पॉइंट दे दिया, गॉट इट, विजिबल तो है ना ये वाला कलर, एक मिनट येलो ले लेता हूँ अगर विजिबल नहीं है तो, ठीक है। और ये तुम्हारी एक टेंजेंट है जो टच कर रही है, एक ये दूसरी टेंजेंट है जो टच कर रही है, ये दो टेंजेंट थी जो आपस में टच कर रही है, ये पी पॉइंट था बाहर वाला, यहाँ पे टच किया ए पॉइंट, ये देखो यहाँ पे टच किया ए पॉइंट और यहाँ पे टच किया बी पॉइंट। अब एक सेकेंड जो है वो एक टेंजेंट कुछ इस प्रकार यहाँ से भी निकल रही है, ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, कट नहीं कर रही वैसे ये, इसको आप ऐसा ना सोचे कि ये कट कर रही है, मैं इसको रब कर देता हूँ वरना आप लोग सोचेंगे कि कट कर रही है, ये देखो ये मैंने इसको रब कर दिया, राइट। अब देखो ये हो गया, इसको कुछ नाम दे दो आप, सी दे दो,
डी दे दो, क्यों दे दो, ठीक है, सी क्यू डी आपने नाम दे दिया। अब आएगा मज्जा, देखो कैसे। सबसे पहले जो चीज गिवन है बेटा, हम उस पर काम करेंगे। तो क्या क्या गिवन है हमें देख लो, सबसे पहले जो भी हमें गिवन है हम उस पर काम करेंगे। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है पी ए बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एंड क्यू सी बराबर क्यू डी दे रखा है जो कि दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये वाली बातें हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो एक बात, एक लाइन लिखता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, सर्कल आर इक्वल, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इस सवाल में, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, क्लियर है। सर्कल आर इक्वल, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब ए सी इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैंने इक्वेशन नंबर वन दे दी, मैं कुछ बातें लिख रहा हूं उनको आप भी लिखते जाना। बी डी बराबर क्यू सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर टू दे दी, ठीक है। सिमिलरली पी ए बराबर पी बी बराबर 12 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर थ्री दे दी। बस काम खत्म हो गया मेरा। अब मुझे एक बात का पता है, अगर मुझे पी सी चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, पी ए माइनस ए सी कर दूंगा। अगर मुझे पी सी चाहिएगा तो मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, पी ए माइनस ए सी मैं यहाँ पे कर दूंगा। दैट्स वाई मेरे को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 12 माइनस के 3, ठीक है, 12 माइनस के 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप बोलिए कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे परेशानी है। नहीं है तो 12 माइनस 3 किया, ये हो गया तुम्हारा फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट, ये जो आया 12 माइनस 3 पी सी बराबर जो आपने निकाला पी और सी जो आपने निकाला, पी ए माइनस ए सी किया, पी ए में से ए सी को निकाला, तो देखो ए सी बराबर क्यू सी था, पी ए बराबर पी बी था, राइट, पी ए जो था वो पी बी के बराबर था। तो मैं जानता हूँ कि अगर ये तुम्हारा पूरा पी ए है तो इसमें से अगर आप ए सी को माइनस कर देंगे तो पी सी ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो पी ए और पी बी हमने निकाला कहाँ से, देखो पी ए तो 12 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर था, गॉट इट, और ए सी जो था वो 3 सेंटीमीटर था, क्वेश्चन में गिवन था, तो वो मैंने लिख दिया थर्ड एंड फर्स्ट से मैंने जो है वो ये निकाल लिया। 12 माइनस 3 किया तो पी सी जो मुझे मिला, पी सी इज इक्वल टू आ गया 9 सेंटीमीटर, गॉट इट, ये मेरे पास में आ गया पी सी। अब इसका यूज हम करेंगे हमारे सवाल को करने में, गॉट इट, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, गॉट इट। अब देखो आगे बढ़ते हैं और कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा आप लोग जो है वो 1 मिनट आप मुझे टाइम दे दीजिए, यस यस 1 मिनट, ताकि मैं इसको रिमूव कर पाऊँ, ओके, हाँ यस, ऊपर रख देता हूँ इसके, बट इसके ऊपर रखने से तो दिखेगा नहीं, मैं यहीं रख रहा हूँ इसको, ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं और कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ भी कर दिया है ना, इसको स्पेस ले लेते, 1 मिनट में यहाँ ये वाला जो डायग्राम है इसका काम कर देता हूँ थोड़ा सा अलग, ठीक है, 1 मिनट, हाँ इसका काम अलग कर देता हूँ, ठीक है, इस डायग्राम को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, विजिबल तो है ही, विजिबल है ना, डायग्राम का वैसे यूज भी नहीं कर रहे अपन लोग, तो अब मेरे को जगह मिल गई यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है, ये मेरे को इतनी जगह इतना स्पेस हमने निकाल लिया इधर से, ठीक है, ये लो। अब देखो भैया यहाँ पी सी बराबर 9 सेंटीमीटर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब अगर आपको पी डी चाहिए तो वही सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे, पी डी ये पूरा का पूरा पी डी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पी बी में से माइनस कर देंगे बी डी को,
पीवी में से बीडी को माइनस कर देंगे तो पीडी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पीडी आ जाएगा। तो देखो बेटा, पीडी बराबर आपने माइनस किया पीवी माइनस बीडी या डीबी, एक ही बात है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि इसको आप क्या करेंगे, पीबी आपको 12 दे रखा था, बीडी आपको 3 दे रखा था, तो पीडी भी कितना निकल के आ गया, पीडी बराबर आपके पास में आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कहाँ से आया, वही सेम जो है वो काम आपने किया इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज किया, क्योंकि वैल्यूज वहीं पे गिवन है, जिस तरीके से यहाँ पे गिवन किया है ना। तो ये मैंने इसको भी पीडी बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब देखो ये सवाल मुझे समझ में आया कि मैंने पीसी निकाल लिया 9 सेंटीमीटर, मैंने पीडी निकाल लिया 9 सेंटीमीटर। पीसी और पीडी का जो सम होगा, पीसी और पीडी का जो सम होगा, ये पीसी और ये जो पीडी का जो सम होगा वो बराबर होगा किसके, क्योंकि हमें क्या पूछा है, देन फाइंड पीसी प्लस पीडी। तो पीसी मैंने अलग से निकाला, प्लस पीडी मैंने अलग से निकाला, पीसी मैंने 9 निकाला, प्लस पीडी मैंने 9 निकाला, दोनों का सम किया तो मेरे को 18 मिल गया। दैट इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया ना अच्छे से, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना कि भैया हाँ सर हमें समझ में आ गया है, आपने अच्छा पढ़ाया है। अब आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद इस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा हो सके तो, क्योंकि टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड है, बट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक सर्कल दे रखा है, ये वाला सर्कल, एक छोटा सर्कल दे रखा है, ये वाला सर्कल, इन दोनों में क्या रिलेशन बताया गया है कि ये जो टेंजेंट है ना, यहाँ से पास होती हुई यहाँ टच कर रही है, और इधर वाली जो टेंजेंट है वो यहाँ से पास होती हुई इस सर्कल को टच कर रही है। ये दोनों स्ट्रेट है मेरे, ऐसे बन गया। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट बन रहा है, दोनों कट कर रही हैं एक दूसरे को ई, यहाँ पे एक पॉइंट बना इसको सी दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों का बना इसको ए दे दिया आपने, एक पॉइंट आपका यहाँ पे बना आपने इसको डी दे दिया, एक पॉइंट आपका यहाँ पे बना इसको आपने बी दे दिया। इस तरीके से ये एक पॉइंट बन गया आपके सामने। अब देखो ए बी बराबर सी डी आपको दे रखा है, ये बात हमें प्रूव करके बतानी है। तो सबसे पहले जो जो बातें हमें गिवन है हम उनको लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है, जो भी हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या चीज गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप समझो। गिवन है कि कॉमन, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। गिवन है हमें कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी आर, ए बी एंड सी डी आर टू टू ड्रॉन सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग एट ई, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ई। अब हमें अगर प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी बराबर सी डी, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, गॉट इट, ये हमें बात प्रूफ करनी थी। अब प्रूफ पे अगर अपन जाते हैं, प्रूफ पे अगर अपन जाते हैं तो क्या लिखेंगे, आप नोट करते जाना। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट लेंथ लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, टू ए सर्कल इज इक्वल इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखो, ई डी बराबर होगा ई डी के एंड ई ए बराबर होगा ई सी के। कैसे हुआ मास्टर जी, हमें समझाओ जरा।
देखो बेटा, प्रूव वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, वही बात हो गई कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से देखो, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ईडी जो है, ईडी जो है वो बराबर हो जाएगी ईबी के, राइट। ईडी जो है वो ईबी, ये ईबी कर दो ना यार यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये जो ईडी था ये ईबी के बराबर हो जाएगा, सीई जो है वो एई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया ना अपने एज यूज, तो एन, अब हम क्या करेंगे इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो हमें ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो हम बोलेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग वी गेट, क्या मिलता है ऐड करने पे हमें, तो देख लेते हैं भैया क्या मिलता है। हमने ऐड किया तो मैंने कहा कि ई ए को आपने ऐड कर दिया ईडी के साथ या ईबी के साथ, ठीक है। ई ए को ऐड किया आपने ईबी के साथ और ई सी को ऐड किया आपने ईडी के साथ, तो रिजल्ट यू विल गेट ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी पूरा का पूरा ए बी देगा आपको, ठीक है। ए बी बराबर ई सी, ई सी प्लस ई डी, ई सी प्लस ए डी पूरा का पूरा सी डी देगा आपको, क्या देगा, सी डी देगा। और यही बात हमें प्रूव करनी थी कि ए बी बराबर सी डी होगा या फिर नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सवाल जो था मैंने करवाया है ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर बच्चों ये सवाल क्लियर हो गया है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाना ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।